नंबर वन सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस टारगेट मसल डेल्टोइड्स, जिससे पूरे शोल्डर मसल की साइज और स्ट्रेंथ डेवलप होती है। इसे परफॉर्म करने के लिए बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए और अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिका ले और अपने ताकत के हिसाब से दोनों हाथों में डंबल को शोल्डर की हाइट पर पकड़ ले। फिर डंबल को अपने सिर के ऊपर सीधा तब तक प्रेस करे जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए और फिर धीरे धीरे डंबल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसके आप 8 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें और हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज जरूर करें। नंबर 2 सीटेड डंबल लेटर रेजेस वाइड और 3D शोल्डर को डेवलप करने के लिए, इससे शोल्डर का साइड डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। इसमें आप अपने बैक को सीधा रखते हुए एक बेंच पर बैठ जाए और दोनों हाथों में डंबल को अपने साइड की ओर पकड़ ले। फिर साइड डेल्टोइड मसल को स्क्वीज करते हुए डंबल को शोल्डर की हाइट तक ऊपर उठाए, फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में नीचे लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपनी एल्बो को हल्का सा बैंड करके रखें। यह एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इसलिए आप इसमें लाइटवेट डंबल का ही इस्तेमाल करें। इसके 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 3 स्टैंडिंग बारबल शोल्डर प्रेस। सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस की तरह इससे भी पूरा डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। वीडियो में दिखाए मुताबिक अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाए और अपने शोल्डर की हाइट पर एक बारबल को ओवरहेड ग्रिप से पकड़ ले। फिर एल्बो को आगे की ओर रखते हुए बारबल को अपने सिर के ऊपर प्रेस करें। फिर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे उसे शोल्डर की हाइट तक नीचे लेकर आए। लोअर बैक की इंजरी और बॉडी को स्टेबल रखने के लिए आप इस एक्सरसाइज में सपोर्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। आप चाहे तो इसे बैठकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके भी आप 8 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 4 इजी बार अपराइट रो। एक परफेक्ट शोल्डर को डेवलप करने के लिए आप अपनी रूटीन में अपराइट रो की एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। इसे ट्रेपेजियस और साइड डेल्टोइड मसल टारगेट होता है। इसे आप स्ट्रेट बारबल या फिर इजी बार से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इजी बार को ओवरहेड ग्रिप से शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपराइट रो की पोजीशन में बार को अपने चेस्ट की ओर ऊपर खींचे और फिर धीरे धीरे उसे शुरुआती पोजीशन में नीचे लेकर आए। इस पूरे मोमेंटम के दौरान आप इजी बार को बॉडी के क्लोज और अपनी एल्बो को कलाइयों से ऊंचा रखें। सही वेट का सिलेक्ट और बिना बॉडी को जर्क मारे इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 5 सीटेड डंबल रिवर्स फ्लाई। आप में से काफी लोग शोल्डर के फ्रंट एंड साइड शोल्डर मसल की एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, लेकिन रियल डेल्टोइड यानी कि शोल्डर के पिछले हिस्से को भूल जाते हैं। तो आप अपनी शोल्डर वर्कआउट रूटीन में 1 से 2 रियल डेल्टोइड की एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। वीडियो में दिखाए मुताबिक पोजीशन में एक बेंच पर बैठ जाए, बैक को सीधा रखते हुए अपनी थाई के नीचे से दोनों हाथों में डंबल को पकड़ ले। फिर डंबल को साइड की ओर रिवर्स फ्लाई की पोजीशन में शोल्डर लेवल तक ऊपर उठाए तो 1 से 2 सेकंड होल्ड करें। फिर स्पीड पर कंट्रोल रखते हुए डंबल को शुरुआती पोजीशन में नीचे लेकर आए। इसके आप 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 6 बारबल श्रक्स। किसी भी शोल्डर वर्कआउट रूटीन को फिनिश करने के लिए बारबल श्रक्स एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिससे ट्रेपेजियस मसल टारगेट होता है। इसमें अपने सामने एक बारबल को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़कर सीधे खड़े हो जाए और अपनी ताकत के हिसाब से प्लेट का सिलेक्ट करते हुए श्रक्स की पोजीशन में अपने शोल्डर को कानों की ओर जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठाए तो कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे अपने शोल्डर को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसी फॉर्म के साथ आप इस एक्सरसाइज को डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें।